Hello kids, welcome to class. In this session, we will talk about three domains of life. Three domains of life ko hum six kingdom classification system bhi bolte hain. Six kingdom classification system. Aur is it propose kiya Woos ne in year 1990s ke andar. And he was working at University of Illinois in the Department of Microbiology. और इन्होंने three domains दिए and the three domains are archae, bacteria and archae, bacteria and eukarya. ठीक है, इन्होंने ये तीन three domains दिए. उनका argument क्या था कि जो bacteria है और archaea bacteria है, they are originating from progenote. एक ही ancestor से originate हो रहे हैं, but separately originate हुए हैं. They are not the same. So progenote जिसके पास primitive genetic material है, और ये प्रोजेनोट से बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया सेपरेटली ओरिजिनेट हुए हैं, सो देर कैन नॉट बी ग्रुप्ड टुगेदर. इसे पहले ओरिजिनली बोला गया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज आर्की एंड बैक्टीरिया. ओके, सो इन दिस वे इन्होंने थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए जिसके अंदर आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. तो इन्होंने सेपरेट कर दिया आर्की को, बैक्टीरिया को जहाँ पे मोनेरेंस रखे, एंड यूकेरियोट्स के अंदर उन्होंने बाकी सारे फॉर्म्स रखे ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. नाउ लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट दी आर्की. जो ये आर्की है इसके अंदर प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आते हैं. इन प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स के अंदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है? जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, इन देयर सेल मेम्ब्रेन वहां पे मोनोलेयर ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है इन इट्स कोर, और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है इन इट्स 16S RNA. डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है इन 16S RNA. ओके, आर्की बैक्टीरिया, आर्की वो ऑर्गेनिजम्स है जो कहां पे सर्वाइव करते हैं? इन द एक्सट्रीम सिचुएशन. सिर्फ एक किंगडम है इसके अंदर और ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं. से फॉर एग्जांपल ये हैं मिथेनोजेंस जो कि मेटाबोलाइज करते हैं हाइड्रोजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को सो दैट मीथेन कैन बी फॉर्म. कुछ आर्की बैक्टीरिया वो ग्रो करते हैं इन द सॉल्टी रीजन्स, हेलोफाइल एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर थर्मो एसिडोफिल्स जो कि हाई टेम्परेचर और एसिडिक एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं अबव 110 डिग्री सेल्सियस पे. सो इन दिस वे आर्की डोमेन ऑफ लाइफ के अंदर है प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जिसके अंदर कोर के अंदर इन द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ मोनोलेयर ऑफ लिपिड और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन द 16S RNA. एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, ओनली वन किंगडम इज देयर, एंड ये हो सकते हैं मिथेनोजेंस जो कि मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेलोफाइल्स जो कि सॉल्टी कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम सॉल्ट सिचुएशंस, थर्मो एसिडोफाइल्स थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर एंड एसिड के अंदर ग्रो करते हैं.
Now coming to the second domain, which is bacteria, जिसे हमने यू बैक्टीरिया कहा है. इस बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने कौन से रखा, प्रोकैरियोट्स रखे. दीज आर टिपिकल प्रोकैरियोट्स. दिस टिपिकल प्रोकैरियोट्स के अंदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं? दे हैव द सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ peptidoglycan, that is N-acetylglucosamine and N-cell muramic acid. इनके पास ट्रू न्यूक्लियस एबसेंट है, नेकेड डीएनए कॉइल्ड है, न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोट है, दैट मीन्स मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एबसेंट है, मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एबसेंट है. एंड दे हैव ग्लाइकोजन एज द रिजर्व फूड मटीरियल. और राइबोसोम कैसा है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन देम. इन दिस वे बैक्टीरिया के अंदर क्या रखा गया, टिपिकल प्रोकैरियोट्स विद दीज करेक्टर. आर्की में क्या रखा गया, दे हैव प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स. नाउ कमिंग टू द बैक्टीरिया, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे गए, इंक्लूड बैक्टीरिया, इट इंक्लूड्स माइकोप्लाज्मा, रिक्सिया, फर्मिक्यूट्स, स्पायरोकीट्स. सो इनके अंदर फर्मिक्यूट्स, स्पायरोकीट्स, रिक्सिया एंड माइकोप्लाज्मा रखा गया. कमिंग टू द यूकेरिया, नाउ दिस यूकेरिया डोमेन के अंदर बाकी सारे यूकैरियोट्स रखे गए, दैट मींस इट इंक्लूड्स किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, देन किंगडम प्रोटिस्टा इसके अंदर रखा गया, एंड किंगडम फंजाई. सो दे इंक्लूड्स किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा. जितने यूकैरियोट्स हैं जिनके पास 80S टाइप का राइबोसोम होगा, मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनलीज एंड द न्यूक्लियर मटीरियल इज ट्रू, दैट मींस इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मैम्ब्रेन. नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव सीन इन दिस सेशन. हमने देखा थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, किसने प्रपोज किया, हुज ने, बिकॉज ही आर्ग्यूड प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स तो ठीक है, बट जो प्रोकैरियोट्स है वो सेपरेटली ओरिजिनेट हुए हैं, दैट इज प्रोजेनेट, जिसके पास प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है. सो वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड वन इज यू बैक्टीरिया, जिसे हम आज आर्की एंड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं. सो ही प्रपोज द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, दैट इज वन इज आर्की, वन इज बैक्टीरिया एंड वन इज यूकेरिया. Now, it includes primitive prokaryotes, it includes typical prokaryotes and eukarya includes eukaryotes. Now, when we look into the archaea, archaea primitive prokaryote hai, iski cell membrane ke andar center mein kya hoga, mono layer of lipid aur distinct nucleotides hai, ye extreme environmental situations mein grow karte hai and it includes only one kingdom, that one kingdom is archaea bacteria. Sif, एक किंगडम है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया डोमेन के अंदर भी देयर इज ओनली सिंगल किंगडम और दैट सिंगल किंगडम इज कॉल्ड एज द यू बैक्टीरिया. ओके, नाउ इसके अंदर कौन कौन आते हैं, स्पायरोकीट्स, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसके अंदर आते हैं. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, नेकेड डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज एब्सेंट है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है एंड द रिजर्व फूड मटीरियल इज ग्लाइकोजन. नाउ कमिंग टू यूकेरिया, यूकेरिया के अंदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है, मेम्ब्रेन ब्लाउंड स्ट्रक्चर्स है और ट्रू न्यूक्लियस है. व्हेन वी हैव टॉक अबाउट द
फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहां हमने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया पढ़ा. देन प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया सिंगल डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, जिसे हमने बोला है यूकेरिया इन दिस. ओके, और टिपिकली जो मोनेरा है उसे डिवाइड किया गया है इनटू आर्की एंड बैक्टीरिया. आई होप यू अंडरस्टूड दैट वूज प्रपोज थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, विच इज आर्की इंक्लूडिंग आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंक्लूडिंग यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, स्पायरोकीड्स, एक्टिनोमाइसिटीज एक्सेट्रा, एंड द थर्ड डोमेन इज यूकेरिया, जिसके अंदर हमने किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया रखा है. थैंक यू.